सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है, जन्मोत्सव के इस आयोजन में पधारे हुए समस्त गुरुजन संतजन विद्वज्जन सभी के चरणों में यथायोग्य बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री हमारे अत्यंत आत्मीय श्री बलराम आचार्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। आज सभी विद्वज्जन और महापुरुषों से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और क्यों ना हो, आप धर्म रत्न के रूप में अलंकृत हैं। वृंदावन के महापुरुषों ने संतों ने आपको धर्म रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। अभी धर्म की खूब चर्चा हो रही है और होना ही चाहिए। जब जब धर्म पर संकट आया है तब तब कोई ना कोई संत महापुरुष ही आगे आया है। जब जब तात्कालिक शासकों में धर्म के प्रति उदासीनता अथवा उसके प्रति उदासीनता का अभाव जब भी रहा है, चाहे राजा बैन जैसे नास्तिक का समय रहा हो और चाहे स्वभाव मारीच के आतंक की बात हो, तो उस समय भी विश्वामित्र जी आगे आए। गाधी चन्नय मन चिंता व्यापी, चिंता और किसी को नहीं हुई लेकिन एक संत को चिंता हुई कि इन निशाचरों का नाश कैसे हो। तो धर्म की रक्षा के लिए सदा सर्वदा समाज तो है ही, शासक है ही, लेकिन समाज और शासक भी जब धर्म की रक्षा ना कर पाए तो कोई संत महापुरुष आगे आते हैं। और आज इस धर्म मंच पर इतने महापुरुष विराजमान हैं, सभी धर्म रक्षा के कार्यों में लगे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज जिनका पावन जन्मोत्सव हम लोग बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, आप धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और आप धर्म रत्न के रूप में अलंकृत हैं। इसी प्रकार आप धर्म की ध्वजा को लहराते रहें। जब जब धर्म का ह्रास होता है तो कोई महापुरुष आगे आते हैं। तो आज चारों ओर से सनातन धर्म के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमारे भारतवर्ष और सनातन धर्म पर विश्व के अनेक आक्रांताओं ने और अनेक सभ्यताओं ने हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण किया, लेकिन यदि हमारा धर्म फिर भी सुरक्षित रहा, इतने आतंक इतने आक्रांताओं और इतने सभ्यताओं के आक्रमण के बाद भी यदि सनातन धर्म सुरक्षित रहा, विश्व के तमाम देश जो है उनका धर्मांतरण हो गया लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति और धर्म सुरक्षित रहा, उसका कारण है संत महापुरुषों का बलिदान, संत महापुरुषों की निष्ठा और संत पुरुषों का योगदान। तो हमारे आचार्य श्री बलराम आचार्य जी महाराज उस धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। तो आप जो है भगवत भक्त हैं, धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। और बल की बात अभी कही गई तो बल तो रावण में भी बहुत था, बल तो बहुत लोगों में, लेकिन वो बल बलराम जी का एक नाम है बलभद्र। ऐसा बल हो बोले कल्याणकारी, तो आप में जो बल तो है पर वो बल कैसा है, वो सबका कल्याण करने वाला है, सबका आनंद करने वाला है और धर्म की रक्षा करने वाला है। तो हम खूब खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब यश प्राप्त हो, धर्म की रक्षा के कार्यों में आप निरंतर लगे रहें और दिग्दिगांतर में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते रहें। बारंबार जन्म दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री। बहुत सुंदर श्री आचार्य जी महाराज ने। और वास्तविक में बल होना कोई बुरा नहीं है, बल तो होना ही चाहिए, लेकिन बल कैसा हो, बोले बल हो तो भद्र के रूप में हो, कल्याणकारी वो बल बने। आपने बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे एक श्लोक अभी याद आ रहा है, श्री कृष्णस्य